हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन ने अपना वार्षिक समारोह नूरपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया। समारोह में 80 वर्ष पूरे कर चुके वयोवृद्ध प्रेमदास सहोत्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में एसोसिएशन अध्यक्ष SL गुप्ता ने जहां एसोसिएशन द्वारा पेंशनरों के हित में की जा रही गतिविधियों को लेकर जानकारी दी, वहीं पेंशनरों को पेश आने वाली समस्याओं को लेकर भी चर्चा की। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन ने अपना वार्षिक समारोह नूरपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया। समारोह में 80 वर्ष पूरे कर चुके वयोवृद्ध प्रेमदास सहोत्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में एसोसिएशन अध्यक्ष SL गुप्ता ने जहां एसोसिएशन द्वारा पेंशनरों के हित में की जा रही गतिविधियों को लेकर जानकारी दी, वहीं उन्होंने पेंशनरों को पेश आने वाली समस्याओं को लेकर भी चर्चा की। अध्यक्ष ने बताया कि ये एसोसिएशन राज्य स्तर पर काम करती है और कई पेंशनरों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से प्रदेश में अलग से वेतन आयोग गठित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेंशनरों और कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रदेश का अलग से वेतन आयोग होना बहुत जरूरी है। उन्होंने 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनरों के लिए 5-10% की वृद्धि उनकी मूल पेंशन में संयोजित करने की मांग की। वहीं 2 वर्ष के अंतराल पर एक अतिरिक्त पेंशन खाता भत्ते के रूप में देने की मांग की। उन्होंने प्रदेश सरकार से जल्द उनकी मांगों को पूरी करने की अपील की, ताकि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वो अपने बुढ़ापा सुरक्षित कर सकें। एजेंडा है आपकी जो है पंजाब पे कमीशन की रिपोर्ट को मैं पता नहीं कब देंगे। 1/16 से ये लागू होनी थी, अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। हम चाहते हैं पे हमारा जो हिमाचल का सेपरेट पे कमीशन बने, वो अपनी रिपोर्ट दे ताकि वो टाइमली लागू हो जाए। तो ये बड़ा लोगों की ये बड़ी डिमांड है कि ये हमारा हो जाए। जो दूसरे नंबर पर जो पंजाब दे रहा है ना अपने अपने रिटायरीज को, ये 2 साल के बाद एक हमारे मिलता है, उसको कहते हैं LTC। तो उसके बाद मतलब इसके अलावा वो 5% 10% 15% पेंशन की एडिशनल पेंशन होती है। जब 65 साल का 70 साल का 75 साल का हो जाता है ना, उसकी पेंशन जो बढ़ जाती है। हमें सिर्फ ये अलाउंस दे रहे हैं 5-10-15% है, ये अलाउंस है, इस पर ये नहीं मिलता, लेकिन पंजाब में उस पर ये ही मिलता है। तो ये हमें यही हमारी डिमांड मेन है, ये भी होनी चाहिए। एक तो पंजाब पे कमीशन हमारा बजाय हमारा पे कमीशन ज्यादा बने, और दूसरा ये जो पंजाब में जो मिल रहा है वो हमें मिलने चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो एलोकेट होके यहाँ आए थे, वो वहाँ से सर्विस कर यहाँ एलोकेट हो यहाँ रिटायर हुए। अगर वो एलोकेशन नहीं होती उनकी तो उनको ये मिलनी ही चीजें मिलनी थी, वो हमें नहीं मिल रही। ये हमारे 2 साल के बाद LTC मिलता है, जब बाकी उनके 5%, 10%, 15% वैन दी अटेन दी एज ऑफ 65-70-75 तो उनको ये हो जाता है। हाँ, तो अगर वहाँ हम रहते तो हमें ऑटोमेटिक मिलना था,